किसी भी लाइन को बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, वो कैसे करना है, या किसी इसी में से किसी पैरा जो वर्ड्स हैं उनको करना हो। ठीक है, यही है, इसको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये देखें बोल्ड हो गया, सही है, अगर कंट्रोल बी नहीं करना चाह रहे तो इधर ऊपर आपको बोल्ड नजर भी बी लिखा हुआ बड़ा सारा, इसको आप ये भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। इसका फॉन्ट चेंज करना, सिर्फ इसी का बड़ा करना फॉन्ट, तो इसको बड़ा कर लें और ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो किस तरह से कुछ इस तरह से, ठीक है, इसी को अगर अंडरलाइन करना चाहें पहले सेलेक्ट कर लें और ये इधर जाएं फॉन्ट से नीचे, ये लिखा हुआ है अंडरलाइन सिंगल करना है, डबल करना है, ओवरलाइन करना है या बॉक्स करना है, सिंगल अंडरलाइन करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह ये डबल करेंगे तो डबल का डबल लाइन, ठीक है, उसके नीचे ऊपर, ठीक है, मतलब कि ओवर लाइन, बॉक्स करना है तो ये बॉक्स इस तरह से कुछ बन जाता है, ठीक है जी सर, ठीक है। इसी को नन कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी सर, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी इसकी होम सेटिंग, ठीक है, बस यही चीज़ें इसमें, बाकी ये फॉन्ट चेंज का ये कल आपको बता दिया था, फॉन्ट चेंज जो है बस सर, इसमें भी सर ये जो साइड पे ना अलाइनमेंट की हुई है सर, ये देखें बिल्कुल भी जगह नहीं है, वो हल्की सी लाइन लगी हुई है सर, अगर इसमें गैप करना हो तो फिर कैसे होएगा? ये वाला जी सर, ये वाला, ये वाला होता है इधर पे स्पेस का, इधर होता है ऑप्शन, एक मैंने चेक कर जी सर, इसका भी इधर आ रहा होता है गैप का ना ऑप्शन, फिर कहीं और ये इसका सेंटर में करने के लिए ये जो नीचे आ रही है इस तरह, ये ऊपर जो अलाइनमेंट है ना जी, फिर इसको सेंटर लाइन कर लेंगे तो सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में रहेगा, तो इस तरह फुल विड्थ करेंगे तो पूरे पेज पे ये सेंटर कर लें तो ये इस तरह सेंटर में हो जाएगा, ठीक है जी जी सर, आपके पास कुछ भी नहीं है, ये अलाइनमेंट का है, बोल्ड अंडरलाइन ये और ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है जी सर, ठीक, एक्सक्यूज मी सर, जितनी हमें ज़रूरत है वो बस यही चीज़ें होंगी, फॉन्ट चेंज करना, इसको बोल्ड अंडरलाइन या इसको एक्सपोर्ट करना। अच्छा, एक्सपोर्ट कर रहा है जुवेरिया ब्रीम, किधर गए हैं इधर जी सर, ये पीडीएफ में करके दिखा दे किस तरह जी सर, इधर अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा सेव एज में देखते हैं, अगर इन पेज का ही है और कैंसिल, तो इसको करते हैं हम एक्सपोर्ट पेज, ठीक है, एक्सपोर्ट पेज करें तो एक्सपोर्ट पेज फाइल का नेम जो है यही वाला कॉपी कर लें जो इधर लिखा है, ठीक है,
उसके बाद ये आप जाएं ब्राउज में, ठीक है, इधर भी वही नेम लिख लें जहाँ पे भी आपने सेव करना है, इधर से लोकेशन सेलेक्ट कर लें, डेस्कटॉप के ऊपर ही कर लेते हैं। तो इधर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, एक आ रहा है ये कंप्यूटर सर्विस लिखा हुआ बिट मैप, और दूसरा इनकैप्सुलेटेड। बिट मैप में करेंगे तो ये देखें किस तरह सेव होगा, इमेज टाइप जो है, ठीक है, अगर डेस्कटॉप ओपन करें ये शेयर है आपके साथ नहीं स्क्रीन जी सर, शेयर सर डेस्कटॉप नो सर वो नहीं शेयर, एक्सपोर्ट पेज मैं असाइनमेंट कर लेते हैं, इसको ब्राउज करें इनकैप्सुलेटेड, इसमें करेंगे तो आपकी वो होगी जो एडिटेबल है टैक्स, ठीक है, जो उधर लेके जाएंगे आप कोरल में या फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में, ठीक है, पीछे वाला इनकैप्सुलेटेड आप कर लेते हैं, इसको सेव कर लें। ईपीएस में आपका होगा कोरल का ऑप्शन पूछ रहा है, तो ब्रैक की तरह से उसमें भी ओपन हो जाएगा कोरल रन। अच्छा ये है कि आपने कोई बड़े साइज की फ्लक्स बनानी हो जो ऊपर नज़र आ रही होती है आपको, या किसी भी शॉप के लिए, किसी कंपनी के लिए, वो पब्लिसिटी के लिए जो यूज़ हो रही है, बड़ी बड़ी फ्लक्स आपको नज़र आ रही है, वो कैसे बनानी है, उसके लिए हम इमजी जो है वो देखते हैं कैसे राउंडेड क्रॉप होते हैं, नीचे से थ्रेडेड होते हैं इमजी जो है आपस में मर्ज होते हैं, ठीक है, वो कैसे करने हैं वो उनको आज कवर करने की ट्राई करते हैं। ये इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया आपको कैनवास साइज में, ये थोड़ा सा स्लो होगा। अच्छा ये जो उर्दू में फ्लक्सिस होती है ना वो थोड़ी सी क्विकली देखते हैं, पहले इसका अगर कोई आप कलर लगाना चाहें और बहुत आपने बोल डाले और ये वाला कलर करना चाह रहे हैं ताकि इसमें अगर कोई वो आप जिस तरह 14 अगस्त का होता है उस तरह का कुछ डिजाइन कर लेते हैं, वो इंपोर्ट करें मेन जिस जो भी आपने डाउनलोड किए दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं, एक कायदे आजम की इधर कर लेते हैं, ये फर्स्ट लामा इकबाल की इधर, ठीक है, और कायदे आजम की इधर कर लेते हैं, ये देखें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा लग रही थी, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको भी देखते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट करना, ठीक है, ये चाहे तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं जो लामा इकबाल की है, इधर को देख रहे हैं तो इनको इधर रख लेते हैं इस तरह, जहाँ पे भी जैसे भी आप यूज करना चाहें। कायदे आजम की जो है वो बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। अच्छा ये जो आपको दूसरी नज़र आ रही है लामा इकबाल की, इसको आप सर्च करना चाहें राउंडेड, वो आपको बताया हुआ आप वो
जो है क्लिपिंग मास्क वो यूज करके कर सकते हैं, इसी तरह यूज करना चाहते हैं तो इसी तरह कर सकते हैं। अभी इसको करना चाह रहे हैं, इसका पहले तो बैकग्राउंड जो है वो खत्म करते हैं। बैकग्राउंड खत्म करने के लिए क्या बहुत सारे वेज हैं, आप पेंटिंग ये ड्रा कर लें जो पिक्चर है पूरी, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव कर लें। अगर इस तरह नहीं करना चाह रहे, इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप इसका क्विक वे जो है इसको बिट मैप का करें कन्वर्ट टू बिट मैप। बिट मैप कर देंगे तो आपका इमेज वो उस बिट मैप करने के बाद आप कोई सा भी इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बिट मैप करता हूँ। एडिटिंग का इसमें क्यों नहीं आ रहा, अपने पेन टूल से इसको कर लेते हैं ड्रा, या कोई और अगर पिक्चर लें कायदे आजम की। पेन टूल वाला बाद में देखते हैं, पहले दूसरी पिक्चर ले रहे हैं। ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ऑप्शन ही ओपन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं करता है। जी इसको ऑनलाइन बैकग्राउंड में ओवर से रिमूव कर ले। नहीं, ऑनलाइन से नहीं करना है, ये लिखना आपके ऑप्शन ही जो है ना इसमें डिसेबल किए हुए हैं, वो नहीं ओपन। सर इसको एक बार ट्रेस कर लें, ट्रेस करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। नहीं, ट्रेस नहीं करना, बिट मैप के ऑप्शन जो है ना वो ये देखिए हुआ पड़ा, देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको किसी और टूल से कर लेते हैं, पेन टूल से जिस तरह हम करते थे इसकी ट्रेसिंग वो वाली कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। ठीक है, वरना इसका जो है ना जो वैन टूल्स होते हैं बैकग्राउंड रिमूवल क्विक, उनसे जल्दी हो जाता है। तो अभी इसको पूरी जो है ना आउटलाइन लगानी पड़ेगी, पेन टूल से लगा लें या किसी और टूल से, हम पेन टूल से लगा लेते हैं क्विकली। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत हो I have an idea.
अच्छा ये था कि इसका पिक्चर का बैकग्राउंड मूव करना, तो भी हमने पेन टूल वो यूज़ करते हैं। इसका क्विक वे वो था कि आप पेन टूल्स हैं इसके अंदर मतलब सेलेक्ट करें अपनी पिक्चर और इसका सब एक क्लिक करने से बैकग्राउंड मूव हो जाता है। ठीक है, वो क्विक वे उसी तरह फोटोशॉप में होता है, लेकिन जो बेस्ट वे है वो यही होता है कि आप पेन टूल से करें इसकी प्लान, पेन टूल से इसको सारा ड्रा करें पिक्चर जो भी आपने ले ली, उसके बाद बैकग्राउंड मूव करें। ठीक है, अभी हमने पेन टूल सेलेक्ट किया तो जल्दी से ड्रा करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बहुत होगी इसमें कसर तो वो आप देख सकते हैं बाद में। जल्दी से कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉर्नर इससे खराब भी हो तो आप उनको बाद में भी सही कर सकते हैं। आपने इस तरह इसको किया पहले ड्रा, तो आप स्मूथ करना चाहें थोड़ा सा तो आप क्विकली देख सकते हैं। ठीक है,
या आपको अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप इस तरह कोई कलर करके तो क्विकली स्मूथ कर लें, या वो एजिस जिस तरह हम डिलीट करते थे एक नोड उसके बाद स्मूथ कर लेते, ठीक है? अभी तो इस तरह कर लेते हैं स्मूथ, ठीक है? फिल कलर खत्म कर लें, अभी आप क्या करेंगे वो इसको आप कर सकते हैं कवर क्लिप, ठीक है? कवर क्लिप करना इसके अंदर दोबारा करें, ठीक है? कुछ इस तरह से सही कवर क्लिक कर सकते हैं, ये आउटलाइन अगर आप रखना चाहें तो रख लें, खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं। ये पिक्चर आपने ट्रेस कर ली, ट्रांसपेरेंट अभी इसका बैकग्राउंड है, ठीक है? इस पिक्चर पे कलर आप करना चाहें यही वाला हम करते हैं, ठीक है? उधर कर लें, वो भी लगा हुआ है टाइम तो उस लाइन की भी नहीं लगी, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, इसको खत्म करते हैं, ठीक है? देखना है कर लें इसको, कोई क्रेडिट कार्ड का देना चाहें रहने, ये तो आपकी इस तरह से होगी। अभी इसको राउंड करना है किसी में, आपने इस तरह से आपको नजर आ रही होती पिक्चर, ठीक है? इसको इसके ऊपर कर लें सर्कल के, इतनी आपको चाहिए, ठीक है? इसको थोड़ा सा गोल्ड कर लें, एक बार इसको फिर जो है आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? इसको करना थोड़ा सा जूम कर लें, पावर क्लिप इसके अंदर आ रहा है, तो ये बड़ा इसका सिलेक्ट नहीं होता सही, ठीक है? इस तरह से आपको फोटो नजर आ रही होती है, एक साइड पे इसको कर लें, दूसरी साइड पे वो लम्बे के बाल के लिए है, इधर अपना इसके ऊपर भी वो भी सेम आप लगाना चाहें यही वाला सर्कल इसी साइड का, एक और सर्कल ले लें, थोड़ा बोल्ड कर लें,
यहाँ पे कर लूँ। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, विल पावर क्लिक से प्लेस इनसाइड बैंक, तो कुछ इस तरह से बन जाएगी आपके पास। रामज वाल की फाइबर कंपनी, इनको आप फ्रेम को ख़त्म करना चाहें, बाय आउटलाइन उसको ख़त्म कर दें, इधर से भी चाहें ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको पिक्चर जाम नज़र आ रही होती है, ठीक है, इसके ऊपर उर्दू टेक्स्ट टाइप करना चाहें आप, कुछ भी लिखना चाहें, उर्दू इन पेज ओपन करते हैं। इन पेज आपके पास हो रहा है सर? अच्छा, चौदह अगस्त है नहीं है वैसे, चले चौदह अगस्त पे कुछ लिख लेते हैं। चौदह अगस्त है नहीं है वैसे लिख रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर नौ नौ के हवाले से बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं। काम काम क्या कहते हैं, काम काम और काम। यस सर, काम काम और बस काम, ठीक है। अब इस तरह उनका भी काम अच्छा, ये इसको कॉपी करते हैं पहले, तो इसी तरह देख लेते हैं, अगर कॉपी हो गया ना हुआ तो फिर फाइल सेव कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं हुआ क्योंकि तो ऐसे भी हो जाता है, इसका एक करें आप बॉक्स ड्रा कर लें, ठीक है, उसके अंदर इसको कॉपी कर लें, अगर कॉपी और इधर पेस्ट, इसके लिए ये बहुत बड़ा होता है, ये काफी बड़े साइज का है, ओहो फाइल सेव करते हैं। सर ये मुबारक का रे और काफ जो है ना वो सिलेक्टेड है, बाकी सारा भी स्टक है। तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ, सेव कर लूंगा। नहीं सर वो पता है हमने, वैसे मैं कह रहा था कि स्टक था स्क्रीन पे। अब ठीक आ रही है सर, आ रहे हैं कायद का अभी सर, सिर्फ वही इन पेज को अच्छा इसको कायद कोरल ओपन कर लेते हैं। सर मेरे पास इन पेज आ रहा है अभी भी, इंपोर्ट करते हैं इसको, इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, इसके बाद याद रखना चाहूँ, ठीक है। आइए नो सर, अभी भी वो आपकी विंडो पे अभी आ गया, अभी आया ये सर, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, टैक्स को सिलेक्ट करवा दें, ये टैक्स रखते हैं, इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो अगस्त वैसे है नहीं है, आपने लगाना ये आप कुछ और लिखे, इस तरह से कायदे आजम का लिखा होता है।
होगा, इसको कोई आउटलाइन लगी हो तो वो भी आप दे सकते हैं बड़ा करके। इसको ऑफलाइन देना चाहूँ तो वो दे सकते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। किस तरह के टेक्स्ट वगैरह आप लिखना चाहें जो भी वो आप देख लेना, जो भी लिखना हो। बैनर इस तरह की चीजें आप करना चाहें वो कर लें। इसको वाइट ही रहने देते हैं, रेड सही नहीं लग रहा। कोई सा भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, इस तरह भी कई और इसमें ऑब्जेक्ट ऐड होते हैं वो आप कर लें। ठीक है, फ्लैग लगाना है आपने वो इधर लगा लें। ठीक है, जो और आपका टैक्स है वो इसके नीचे ऐड कर लें। इस तरह से उसको छोटा करना चाहें जिसका कलर ये वाला करना चाहें टैक्स का कलर ही हो गया। वो आप ग्रुप करके भी कर सकते हैं, इस तरह अलग अलग कलर आप करना चाहें वो कर लें। कुछ इस तरह से और आपका कुछ डेटा हो तो फ्लैग ऐड करना वो कर लें, फ्लैग कर लेते हैं।
ट्रांसपेरेंटी ले लो तो इसका साइज बड़ा लार्ज इधर कॉपी कर लें। इसके पीछे भी ये नजर आ रहा है आपको व्हाइट कलर, इसको खत्म करना हो तो फिनिश हो गए, एक सर्कल ले लें ये वाला। इसके अंदर फिट करने से ऑब्जेक्ट पावर क्लिप आउटलाइन का है वो आप सर्कल सही लगा सकते हैं इसका। तो साइड में छोटा सा लगाया इधर, इस साइड पे लगाना चाहिए इधर लगा रहे हैं। और जितनी चीज़ें ऐड करना चाहें वो आप वन बाई वन जो ऐड कर सकते हैं, या किसी शॉप की किसी चीज़ की कमर्शियल के लिए आप बनाना चाहें वो जो भी आपका बैठा हो तो आप इस पर एडजस्ट करते रहें, ऑब्जेक्ट में डाल दे रहे तो इस तरह आपकी फ्लक्स जो है फुल हो जाएगी। ठीक है, पीछे इसका कोई कलर करना चाहें, ग्रेडियंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इधर कोई मैसेज आ रहा होता है वो आप शो करना चाहें, शेप्स आपने पड़ी हुई हैं सारी। ठीक है, इधर अगर देखें कॉम्प्लेक्स कार शेप्स आपने पढ़ी थी दूसरी, जिस तरह ये इनमें से कोई लगाना चाहें कोई मैसेज के लिए, किधर गई है वो, चलिए बैनर में दूसरी होगी आपके पास ये वाली। ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज वगैरह शो करवाना है आपने, ये इस प्लस के लिए नहीं किसी और के लिए आपने करवाना है, अगर कोई वाओ का मैसेज या इस तरह की चीज़ें आपने वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको कलरफुल कार जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं ऐसे। इधर कुछ ऐड करने की ये वाली कर लेना है, ये वाली कर लेना है। वो आपने कंपनी की देखी होंगी वो बड़ी रंग बिरंगी से अपने कलर कोई से, जिन्हें कोई मैसेज टाइप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास टेक्स्ट हो उसको कैसे मैनेज करना है वो आप जहाँ पे मर्जी जो सही आपको स्पेस लगे वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्लस आपको नज़र आ रही है इसका साइज है 50 इंचेस वाइड और 20 इंच इसकी
है जो हाइट है लेंथ है ये ऊपर भी लिखी हुई है 50 और 20 ठीक है। तो ये इस तरह की आप सिंपल सी प्लस जो है वो बना सकते हैं बड़ी ये क्विकली हमने देखा है कि इसको कैसे करना है इस तरह की आपको पिक्चर नज़र आ रही होती हैं ठीक है। ये इसके बाद और कोई इफेक्ट देना हो इसको वो कैसे देना है तो वो भी नहीं अभी इसके ऊपर लगेगा वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देख लेते हैं फिलहाल इतनी सेव करते हैं। तो ये था कि एक सिंपल सी आपने फ्लेक्स बनानी है किसी शॉप के लिए किसी पर्पज के लिए तो उसके लिए इसकी अरेंजमेंट वगैरह वो आपने कैसे करनी है ठीक है।